नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक तरफ नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटाने की कवायद जोरों पर है, वही दूसरी ओर नक्सलियों के द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोली के साथ अन्य सामान को मिलना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली भारी मात्रा में जंगल में हथियार छुपा कर रखने की सूचना पर पुलिस सर्च अभियान चलाई। यह सर्च अभियान एएसपी मनीष कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसमें सीआरपीएफ 218 बटालियन जवान के द्वारा कॉम्बिक सर्च अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि घाघरा थाना क्षेत्र के जमगई जंगल के गुटवा जोकारी इलाके में भाकपा माओवादियों के इनामी कमांडर रंथू उराव लाजिम अंसारी के दस्ते के द्वारा पेड़ की खो के छुपा कर रखे गए हथियार की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियार, कारतूस व अन्य सामान बरामद किए हैं। वही पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। इस सफलता पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर गुमला के एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना पर सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें एएसपी अभियान सीआरपीएफ 218 बटालियन के जवानों के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इधर एसपी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे इलाके को बम स्क्वाड के द्वारा जंगल में सर्च अभियान चलाया गया है। साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि गुमला पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ में अभियान जारी रखेगी। एसपी ने कहा कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूटी है। एसपी ने कहा कि अब कोई और रास्ता बचा नहीं है, नक्सली सरेंडर करें नहीं तो अभियान के दौरान मार गिराए जाने की बात कही। वही हथियार बरामदगी मामले पर 20 से 25 उग्रवादी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस को नक्सलियों के कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कारगर सिद्ध हो सकता है। बरामद दस्तावेज को पुलिस अध्ययन में जुटी हुई है। गुमला पुलिस द्वारा लगातार माओवादी के अगेंस्ट में छापेमारी अभियान चल रहा है। अभी सूचना मिली थी कि माओवादी के द्वारा जंगल में कुछ हथियार और बारूद रखा गया है, जिसको लेके एक हमने ज्वाइंट ऑप्स तैयार किया, जिसमें 218 बटालियन के 2IC साहब, हमारे अभियान साहब ने मिल के बढ़िया रेड किया, जिसमें हमें सफलता मिली और एक SLR बंदूक बरामद किया और लगभग 41 कैटरेजेस बरामद हुए हैं, एक मैगजीन और डिटोनेटर और फ्यूज़ बरामद किया गया। किनका दस्ता था और क्या लगता है? कहा गया था किसी घटना को कारित करने के प्लानिंग के हिसाब से ये लाजी मंद रंथू और खुदी मुंडा जो हमारा फरार है अभी, उनके द्वारा प्रॉब्ली रखा गया। हम लोग इसकी सत्यापन कर रहे हैं, आगे इस पर कार्रवाई करेंगे। जो नक्सल कैबिन के अगेंस्ट में लगातार हमें सफलता मिल रही है, हथियार भी बरामद हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही कुरुमगढ़ जंगल से भी 2 बराटा और 1 303 हथियार बरामद किया गया था, तो उनके हथियार हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग और भी अभियान करेंगे और भी बढ़िया सफलता के उद्देश्य से हम लगातार अपना लक्ष्य जारी रखेंगे। नक्सली को एज यूजुअल क्लियर कट संदेश है हमेशा मेरा, और 15 अगस्त आने वाला भी है, कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति हिंदुस्तान की सबसे अच्छी आत्मसमर्पण नीति है। इसका फ़ायदा उठाए और मुख्य धारा में शामिल हो। बेवजह इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं, बाद में पुलिस के गोलियों का शिकार हो।